ये पॉजिटिव लिया, एक्स आई की वैल्यू माइनस थर्टी आएगी, माइनस थर्टी मतलब कि रेज यहां जाके मिलना चाहती थी, मतलब कि यहां से 5 सेंटीमीटर आगे, राइट। अब अपन ने यदि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें तो एक्स ओ इज इक्वल्स टू 5, एक्स एफ इज इक्वल्स टू प्लस 10। सॉल्व कर लीजिए, एक्स आई के लिए कितना आ जाता है, माइनस 10, मतलब कि इमेज आगे आगे मतलब एग्जैक्टली वैसे तो यही बन जाएगी, ठीक है। दैट्स ऑल द कंफ्यूजन, श्योर? और आप लोगों को कुछ याद है तो बता दीजिए, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता स्फेरिकल मिरर। दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें कोटा में पढ़ाई जाती है, इसको घुमा दे तो वो 2 थीटा घूम जाएगा, ये वो, बेसिक मैथ से खुद करिए। मैं रिफ्लेक्शन पे जाना चाहता हूँ। दो प्लेन मिरर में जो टाइम पास करते हैं 30 डिग्री एंगल पे रख के, सवाल ले आइएगा, हर सवाल में क्लियर होता है वैसे तो, ठीक है। मैं आएगा अभी सवाल तो बता दूँगा, जो आप पूछ रहे हो उसका जो लॉजिकल तरीका बात करने का बता दूंगा। आप जैसे बोल रहे हैं वैसे तो ऐसा लग रहा है सवाल बनाने वाला गधा हो, ऐसा नहीं होता। पूछना ऑप्टिक्स की कितनी शीट है, पीछे पड़ी है, पूछ के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। क्लास अटेंड करने बैठ जाओगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ,